दोस्तों, भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई थी और उसने ये कमिट किया था कि 2022 तक जो नई शिक्षा नीति है उसे लागू कर दिया जाएगा। उस समय उन्होंने बहुत सारे चेंजेस होने की बात कही थी और मैंने इस पे एक बहुत विस्तृत वीडियो भी बना रखा था कि उनका ड्राफ्टेड जो प्लान है नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या हो सकता है। लेकिन भारत सरकार इस पर अभी बिल्कुल गंभीर है और उसने ये दावा किया है दोस्तों कि 2022 तक, अप्रैल 2022 यानी फर्स्ट सेशन, आने वाले सेशन से वो नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति एक एक हमारे देश के एक एक फैमिली को, एक एक स्टूडेंट्स को, एक एक परिवार को अफेक्ट करने वाला है। तो ये हम सब के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आने वाली नई शिक्षा नीति जो अप्रैल 2022 में लागू करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंटर्स जो है, मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, कि भारत सरकार ने किस किस मुद्दों को पर जोर देने के बल किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें पता है दोस्तों कि 2022 अप्रैल से हमारे इस नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू होने पे जोर दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से और उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन में लेकर के चल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो पहले आपको पता था कि जो केंद्र की जो एक नीति थी, जो मिड डे मील की बात करते थे हम, अब उसमें भी अमेंड किया गया है दोस्तों। यानी अब मिड डे मील के साथ साथ, यानी दोपहर के भोजन के साथ साथ दोस्तों, आपको लड़कों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो सुबह का ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति के पहले पॉइंटर्स में एक सम्मिलित पॉइंट है कि अब लंच के अलावा ब्रेकफास्ट भी बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा सबसे जो सबसे बड़ा जो चेंजेस लाया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस है दोस्तों, कि जो हम शिक्षा का अधिकार की बात करते थे वो 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए हमारे शिक्षा का अधिकार था, अभी तक चला आ रहा है। लेकिन आने वाले नई शिक्षा नीति में जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जो भारत सरकार ने लाने की कोशिश की है, वो ये कोशिश की है कि क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक आपको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और उसके तहत जो नियम कानून बनाए जाएंगे, यानी 25% आपको आरक्षण मिलेगा प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन के तहत, जो भी आपकी को भारत सरकार से जो भी प्रोत्साहन, जो भी फैसिलिटीज मिलने वाली होंगी, वो सारी अब 8th क्लास 14 साल तक न होकर के वो 12वीं क्लास यानी 12th तक आपको राइट टू एजुकेशन आपको मिलेगा। एक एक लोगों को मिलेगा, हमारे देश की समस्त जनता, हमारे देश के समस्त स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। तीसरा सबसे दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग जनरली हम बात करते हैं कि शिक्षक की कमी है, तो 2022 में ये लागू होने से पहले इसने, गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि अप्रैल के पहले इसको स्टार्ट ख़त्म करेगा या बाद में करेगा। यानी उसका जो विजन है कि 10 लाख शिक्षकों की बहाली करेगा केंद्र सरकार, जितनी भी शिक्षकों की कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट है कि उसे 10 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है। ये काफ़ी अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स किए हैं दोस्तों, अभी और भी हम बात करेंगे। अब चौथा जो सबसे मेजर पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि पहले क्या होता था कि हम जैसे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमें मिड टर्म देने होते थे, क्वार्टरली एग्जाम्स देने होते थे, राइट, असाइनमेंट्स देने होते थे। लेकिन अब का जो सिस्टम जो होने वाला है नई शिक्षा में, और हालांकि ये जब नई शिक्षा नीति लाई गई थी दोस्तों उसमें भी इसका जिक्र किया गया था कि अब जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, जो कि टेक्निकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में भी जो ऑलरेडी चल रहे हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स, तो अब स्कूल में भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा कि आपको एग्जाम्स जो देने हैं वो सेमेस्टर वाइज ही देने हैं। यानी हर एक 6 महीने पे आपका एग्जाम होगा और बशर्ते आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जामिनेशन अब देने की ज़रूरत
नहीं है। तो कुछ काफ़ी अच्छी, इससे क्या हुआ दोस्तों कि बच्चों के अंदर अगर पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो बच्चों के अंदर एग्जाम के प्रेशर्स कम होंगे और दूसरा बच्चों के अंदर एग्जाम का भय खत्म होगा और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें। नेक्स्ट दोस्तों है कि जैसे अगर हम बात करें बीएड के कोर्स अभी तक क्या होते थे, फिक्स होते थे, एक साल या दो साल के बीएड के कोर्स हुआ करते थे। नई शिक्षा प्रणाली में ये लाया गया है दोस्तों कि अगर आप ट्वेल्थ के बाद ही आपका मन है कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, टीचिंग करनी है, तो आप डायरेक्टली 4 साल का आपका एक बीएड का कोर्स होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वो बीएड का जो करिकुलम होगा वो 2 साल का होगा, और अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स करने के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उस बीएड का जो ड्यूरेशन होगा, जो करिकुलम होगा वो 1 साल का होगा। यानी अलग अलग सेगमेंट में आपको बीएड करने की रिक्वायरमेंट अब है। यानी 12वीं के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 4 साल का कोर्स होगा जिसमें ग्रेजुएशन भी इन्वॉल्व होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको आपका बीएड 2 साल का होगा, और पीजी के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका पीजी 1 साल, बीएड 1 साल का होगा। तो ये काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंट्स किए गए हैं दोस्तों। उसके बाद हम का जो इवैल्यूएशंस होंगे, जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे। यानी अभी तक जो एग्जाम्स हुआ करते थे तो वो क्या होते थे, हमें हाथ से लिखने होते थे या रिटन एग्जाम्स देने होते हैं, फिजिकली हमें अपियर होने होते, लेकिन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इस पर जोर दिया है कि बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। देखना ये होगा दोस्तों कि ये प्रणाली, ये सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम जो इवैल्यूएशन लाने की बात की जा रही है, कहाँ और कब तक ये अवेलेबल हो पाएगा और कब कहाँ तक ये जो जोर है सक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मेरा मानना है कि ये नई शिक्षा प्रणाली में बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि जितने भी शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी दोस्तों, वो नियुक्ति बिना साक्षात्कार के नहीं होगी, यानी बिना इंटरव्यू के अब नहीं होगा। नई शिक्षा प्रणाली में, नई शिक्षा नीति में ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट लिखा गया है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी रिटन एग्जाम्स के अलावे साथ साथ इंटरव्यू भी होंगे, यानी बिना इंटरव्यू के शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। दोस्तों इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखो, नॉलेज होना अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, नॉलेज को कन्वे करना, नॉलेज को पास आउट करना वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो अगर इंटरव्यू सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों, तो हम टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हुए, उसको चेक करते हुए हम उनको अपॉइंट करें, तो डेफिनेटली एक अच्छे शिक्षक हमारे स्कूल्स में मिलेंगे और इससे काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मेरे नज़रिए से यह बहुत इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है नई शिक्षा प्रणाली में, नई शिक्षा नीति में, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे नज़रिए से। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे इस पॉइंट को लेकर के। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्रमोशंस को लेकर के, पहले प्रमोशंस क्या होते थे, अभी तक जो चला आ रहा है दोस्तों प्रमोशन, वो सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस टेन्योर, यानी एक सर्विस के बेस पे आपका प्रमोशंस होता जाएगा, वो तो रहेगा ही, उस पर अभी सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको विभागीय परीक्षा के द्वारा आपको प्रमोशन जल्दी मिल सकते हैं। यानी अब आपको एक पोस्ट से आपको प्रमोशन चाहिए होगा टीचिंग सेक्टर में, टीचिंग लाइन में, तो आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। यानी एक टीचर को अब टाइम टू टाइम प्रमोशंस के लिए उसे एग्जाम्स में अपियर होने पड़ेंगे, यानी टीचर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसे अपडेट रहना पड़ेगा। पर्पस इसका गवर्नमेंट का यही है। तो दोस्तों ये भी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दें और पास करें और प्रमोशन दें। इसका मतलब कि टीचर अप टू डेट होगा, नॉलेज उसके पास अपडेट होंगे, तो बच्चों को उसका फायदा, अपने स्टूडेंट्स को, अपने देश के बच्चों का उसका फायदा काफ़ी धरातल पे बहुत अच्छे तरीके से होगा। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने एक मेंशन किया है कि गांव में जो रहने वाले शिक्षक हैं, यानी गांव में अगर शिक्षकों को तैनात किया जाता है तो उनको विशेष भत्ते दिए जाएंगे, यानी जो अलाउंसेस होते हैं उन्हें अलग से पे किए जाएंगे, क्योंकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती है
और टीचर्स जो होते हैं बाहर से जाने के बाद जब गांव में वो जाते हैं ट्रांसफ़र लेकर के, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। और ऐसे में गवर्नमेंट उन्हें, भारत सरकार उन्हें अलग से स्पेशल अलाउंसेस देगी ताकि उनको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स न हो। एक पॉइंट उन्होंने डाला है दोस्तों कि जो ट्रांसफ़र होगा अननेसेसरी के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, आज के अगर हम आज तक के सिनारियों में बात करें तो ट्रांसफ़र कैसे होते थे, अगर 5 साल तक आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कोई आया ऑफिसर उठा करके सारे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब उसकी कोई उसका कोई नियम एक तरीके से अगर देखा जाए तो फॉलो नहीं किया जाता था ट्रांसफ़र के लिए। अब नई शिक्षा प्रणाली में दोस्तों ये लाया गया है कि जो ट्रांसफ़र होगा, जब तक जरूरी नहीं माना जाएगा उस ट्रांसफ़र को, जब तक कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यानी अननेसेसरी का ट्रांसफ़र अब टीचरों का नहीं किया जाएगा, शिक्षकों का नहीं किया जाएगा। और मेरे नज़रिए से ये भी एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है, अमेंडमेंट है, क्योंकि अननेसेसरी के ट्रांसफ़र होने से माइंड सेटअप पे फ़र्क पड़ता है, लोगों को सेट होने में फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरे नज़रिए से काफ़ी अच्छा है कि अननेसेसरी के ट्रांसफ़र शिक्षकों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे मिड डे मील में शिक्षकों को तैनाती, चुनाव में तैनाती, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जनगणना में लगा दिया, पोलियो उन्मूलन में लगा दिया, ये सारे में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, वो शिक्षक ही थे। लेकिन दोस्तों नई शिक्षा प्रणाली में ये भी मेंशन किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी, यानी नॉन टीचिंग वर्क से उनको छुटकारा मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक आधे टाइम से ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्यों पे देते हैं, और इससे जो शिक्षक अपने अपना उनका जो कोर काम है, जो उनका जो कोर प्रोफाइल है, उनका जो जॉब प्रोफाइल है, वो नहीं कर पाते थे उसका काम। तो ये गैर शैक्षणिक कार्यों को हटाने से शिक्षकों का जो फोकस होगा वो बच्चों के ऊपर होगा, उनके टीचिंग के ऊपर होगा। तो ये बहुत एक अच्छे मतलब नई शिक्षा प्रणाली में अगर हम बात करें, जो पॉइंटर्स मैंने आपको बता रहा हूँ वो पॉइंटर्स आने वाले टाइम में अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली हमारे देश में शिक्षा का स्तर जो है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, वोकेशनल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है नई एजुकेशन प्रणाली में, नई एजुकेशन सिस्टम में, कि आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपको एकेडमिक में ही मिल जाएंगे, आप स्कूलिंग से ही आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि व्यावसायिक कोर्स जब आप पढ़ेंगे तो बच्चों का इनिशियल इंटरेस्ट उससे पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने करियर को चूज कर सकता है। अभी तक क्या है कि दोस्तों हम एक बेसिक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, और इसके बेस पे ही हम अपने आने वाले कोर्स को, अपने करियर को चूज करते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, सीएस है, अगर एक एक सब्जेक्ट्स बच्चों को अगर ये पढ़ाया जाए स्कूली टाइम से ही, तो उनके लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उन्हें भी आइडिया लगेगा कि उन्हें किस क्षेत्र में उनका करियर बनाना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट लाना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, और ये ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चों के एजुकेशन इंटरेस्ट में, उनके करियर को लेकर के इंटरेस्ट में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, सेम करिकुलम होगा अक्रॉस द कंट्री, यानी अब किसी भी कंट्री में, चाहे स्टेट हो अपने कंट्री में, चाहे किसी भी स्टेट्स में, अलग अलग एजुकेशन करिकुलम नहीं होंगे, सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे और कॉमन करिकुलम के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। तो इससे बेटर, इसका फ़ायदा ये होगा कि सभी स्टूडेंट्स एक कॉमन करिकुलम पढ़ेंगे तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा, नॉलेज बेस भी कॉमन होगा, और इससे उनके कंपटीशन को फेस करने में काफ़ी ईजी होगा। इसके अलावा ये भी जोर दिया गया है दोस्तों कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे टाइम टू टाइम काफ़ी प्रोवाइड की जाएगी। ऑब्वियसली एक टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए गवर्नमेंट नई शिक्षा प्रणाली में, नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने इस पर बहुत जोर दिया है। अब जो शिक्षकों का जो दोस्तों अनुपात रहेगा, टीचर स्टूडेंट का जो अनुपात, हम बात करते हैं कि एक शिक्षक पे कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो एक शिक्षक पे दोस्तों 25 से लेकर के 30 स्टूडेंट्स रहेंगे एक क्लास में एक शिक्षक के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि बच्चों, पहले 40-45 बच्चे हुआ करते थे, इससे बच्चों के ऊपर फोकस टीचर्स का बढ़ेगा।
उसके बाद दोस्तों एक सबसे अलग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है नई शिक्षा नीति में, कि क्लास 8 के बाद आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आपको एक फॉरेन लैंग्वेज लेना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेंच हो जर्मन हो। तो एक आपको इस लैंग्वेज को लेने से आपका एक बेनिफिट ये भी होगा दोस्तों कि जो लैंग्वेज आपको बाहर जाकर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्कूल में ही सीख जाएंगे, इससे आप अगर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में मदद करेगा। आप विदेश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जाना चाहते हैं उस पर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर ज़्यादा कंट्रोल बोला गया है नई शिक्षा नीति में, कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कॉलेजेस के ऊपर कंट्रोल बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट संस्था हैं वो अपने नेम में पब्लिक का यूज नहीं कर सकते, यानी किसी भी जैसे नाम होता है किसी भी कंपनी का नाम होता है स्कूल का नाम होता है उसमें पब्लिक लिमिटेड नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी तक कुछ कॉलेजेस कुछ स्कूल्स कर लेते थे लेकिन वो अब बिल्कुल नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी माना जाएगा नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। उसके अलावा दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं दोस्तों उनका जो पात्रता है वो एक एजुकेशन के साथ साथ डिग्री की बात करें ट्रेनिंग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे हम सेटेट बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसे पास करना जरूरी है तभी आप सरकारी स्कूल में तो उसके लिए जरूरी है ही, उसके अलावा प्राइवेट स्कूल में भी आपको अगर पढ़ाना है तो उसके लिए TET पास करना जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सेंट्रल स्तर पे और स्टेट स्तर पे दोनों पे होते हैं। तो इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि जो शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र हैं पैरा टीचर हैं जो गेस्ट टीचर हैं केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को कहा है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आप या तो इनको परमानेंट करें या इनको हटाएं। तो ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा कि इन शिक्षकों को ये काफ़ी कम सैलरी पे एक फिक्स्ड मानदेय पे ये वेतन देते हैं और इसका कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट भी वेतन देने के लिए राज्य सरकार को सहयोग करता है। राज्य सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि इन जितने भी शिक्षा मित्र हैं जिनके जितने भी पैरा टीचर्स हैं जितने भी जो अपने गेस्ट टीचर्स हैं उनको परमानेंट करें आप उनको वेतनमान दें या फिर उनको हटाएं। तो मेरे जो नज़रिया है दोस्तों इन सारे शिक्षकों को अब राज्य सरकार परमानेंट कर देना चाहिए नियमित कर देना चाहिए और अदरवाइज अगर नियमित नहीं करती है दोस्तों अगर मानदेय पे कंटिन्यू करती है तो सेंट्रल अपने अंश का जो अनुदान देती है इन शिक्षकों को वेतन के लिए वो देना बंद कर देगी, यानी अब यहाँ पे राज्य सरकार को एक्शन लेना ही है। और मेरा एक सजेशंस होगा अगर ये बात सामने जा रही है कि राज्य सरकार को पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए सारे शिक्षकों को परमानेंट कर देना चाहिए। तो ये दोस्तों अब निजी स्कूलों में भी जो कमिटियां होती है वो गठित की जा सकती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी दोस्तों, और ये जो 12वीं क्लास तक जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात कही है राइट टू एजुकेशन के तहत उसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारे देश में साक्षरता दिवस है लिटरेसी रेट है दोस्तों वो 100% पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है पॉइंटर्स के तौर पे कि आपको नई शिक्षा नीति से अवगत कराया जाए क्योंकि ये नई शिक्षा नीति हर एक के हम सबको अफेक्ट करने वाला है, हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कि ये आपको नई शिक्षा नीति कैसी लगी, मेरे द्वारा जो कंटेंट पास किया गया जो कम्युनिकेट किया गया आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, एक कमेंट करना, फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के ऊपर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।